please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हमारी पूरी फैमिली है भाई, ऐसा मैंने अपने लाइफ में पहली हादसा देखा, मिनटों का भी टाइम नहीं मिला। मुंबई में इमारत गिरने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव कर 11 लोगों को मलबे से निकाला। हादसे की जगह जायजा लेने पहुंचे मुंबई के मेयर विश्वनाथ महादेश्वर को गुस्साए लोगों ने भगाया। रॉकेट लॉन्चर और AK-47 से लैस जैश के मोहम्मद के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में घुसपैठ। पुलिस के हाथ लगे दस्तावेज से पर्दाफाश हुआ कि डेरे में राम रहीम आत्मघाती दस्ता तैयार कर रहा था। जेल में बंद राम रहीम के आश्रम में पहुंचे न्यूज 18 इंडिया ने गुरमीत सिंह के अम्यूजमेंट पार्क और अय्याशी के अड्डों का पर्दाफाश किया। नोटबंदी पर रिजर्व बैंक के आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम अपनी गलती माने। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के दौरान बंद किए गए पुराने नोटों में से 99% वापस बैंक में लौट आए हैं। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस वापस करने की मांग पर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। सीबीआई ने जमीन सौदा मामले में वाड्रा से जुड़ी कंपनी पर 4 FIR समेत 18 केस दर्ज किए। मुंबई की बारिश में लापता मुंबई हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक अमरापुरकर का शव मिला। आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में दिल्ली के DCP सत्यवीर कटारा की पत्नी पल्लवी शर्मा की कंपनी पर छापेमारी की। लखनऊ के एक निजी स्कूल में बच्चे को बुरी तरह से पीटने वाली टीचर को स्कूल से निकाला गया। पंजाब के नवा शहर में बाइक सवार को रोककर जांच करने पर पुलिस वाले को पीटा गया। अमेरिका में हार्वे तूफान की वजह से अब तक 35 की मौत, 17 लापता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर उत्तर कोरिया के मिसाइल दागने के बाद ट्वीट करके कहा कि मिसाइल का जवाब बातचीत नहीं। पाकिस्तानी संसद ने एक प्रस्ताव पास कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दक्षिण एशिया नीति की निंदा की। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में आज भारत के गौरव बिधूड़ी के पास इतिहास रचने का मौका।